अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरीदा और आप देख रहे हैं फरीदा नागपुर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो आ जाइए चाय पीने के लिए। और हमने मंगाया है आज चाय के साथ हॉट चिप्स, स्पाइसी पटैटो चिप्स एंड सॉल्टी पटैटो चिप्स। तो ये दो टाइप के हैं और कल से रोज़े स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज हम अपने दिल की तमन्ना पूरी कर रहे थे। सोफा नहीं हटाना है, बीच नीचे से वो ले ले उसके। यहाँ देखो हमारा साफ सफाई चालू हो गई है। तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, अभी हमारा नहाना धोना नहीं हुआ और बज गए 2:15। अभी घर का ही चल रहा है आजकल, है ना, नल जल्दी चले जा रहा है तो हम लोग पानी का काम जल्दी कर रहे हैं। मेरी हालत गरीबों वाली है नहाने की, नल का काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बर्तन अभी धोने के हैं। अभी आयान को थोड़ा हेल्प लग रही है, आंगन धुल रहा है। कल है ना मोती आके बैठ गया था तो फिर पूरा धोना है। यहाँ टंगाओ, इसमें बैठा नहीं सोया था मैं तो मालूम है। अभी रख दे, मैं लेके जाऊंगी। ठीक, दीवार भी वैसे मैंने धोई थी और गर्मी चालू हो गई। कल 2 बजे नल जा चुका था, 2:30 बजे, और अभी भी जाने की तैयारी में है। तो वही जल्दी जल्दी पानी का काम कर रहे हैं। वो तो रोज ही भरता बेटा कचरे का डब्बा। तबीयत सही नहीं है मेरी, सिलक आज तीसरा दिन है, पीठ में सिलक भरी है, वो निकल नहीं रही है, बैठने से भी अब होने लगा है। मैं आज शाम में डॉक्टर के पास जाऊंगी आयान के साथ, उसके पापा का वेट नहीं करूंगी। और आज मेरे को 3 बजे जाना है लाइव में, तो मेरे को भी जल्दी फ्रेश भी होना है। चावल चढ़ाती हूँ, गोश्त रेडी है मेरा, गोश्त का सालन और मूली की भाजी बनाए थे नाश्ते में, तो वो सब रेडी है और सिर्फ गरम चावल बनाऊंगी मैं। और फिर नहा के सीधा जाती हूँ लाइव, आज लाइव स्ट्रीम करूँगी मैं, 3rd टाइम लाइव पे आऊँगी। मैंने कभी मतलब ऐसे प्रॉपर लाइव स्ट्रीम की नहीं हूँ, मगर आज करूँगी इंशाल्लाह। और चलिए फिर काम करते हैं जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स घर का कुछ काम करके हम निकले हैं, कुछ सामान तो बाहर से रह गया था, पापड़ अचार वगैरह वो लेने निकले हैं। और देखेंगे गोश्त मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर वो गई कल में बात, फिर मैं वही है बना के नहीं रख पाऊंगी कोई भी चीज़। और अभी घर जाके मुझे चटनी जो मैंने रेडी करके रखी है सिर्फ पीस के और फ्रीज करना है, बाकी सब हो चुका है। और क्या है, मुझे ना प्लेट्स और डिस्पोजल टिफिन चाहिए थे और बस, और तो कुछ नहीं चाहिए। देखो अभी प्लेट दिलाते या नहीं दिलाते, मगर मैं अचार पापड़ लेने जा रही हूँ और टोस्ट ब्रेड वगैरह लेने जा रही हूँ और बस इतना है। और बच्चे का वो कैट फूड लेने आई थी जो मैं ले रही हूँ, ला लिए कैट फूड। तो मैं इन्होंने बोले आते आते लेंगे, मगर मैंने बोली नहीं बाबा फिर भूल जाते, पहले लेंगे और उसके बाद जाएंगे, पहले बच्चे का सामान बाद में सब। चलिए फिर मिलती हूँ आपको। पता नहीं क्या हो रहा है और क्यों ये हर रमजान में होता है यहाँ पे। मैंने तो आधे से लिया है वीडियो, बहुत पहले से चल रही थी। कोई आया है शायद, कोई भी नहीं है इसमें, खाली गाड़ियाँ हैं। वो DCP वगैरह सब आए हैं ना, उनकी गाड़ियाँ होगी है ना। एक स्टार हो रहा है, जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं ना उनकी गाड़ियाँ हैं शायद। हर रमजान में आते हैं लोग ऐसी सताने के लिए, गाड़ी हटाओ, दुकानें हटाओ, ये सब वही। फोन भी आ रहा है, कोई भी कुछ नहीं है, सिर्फ फौज लेके घूम रहे हैं। 67 फालूदे का पैकेट है, कितने का है? 5 पैकेट दे दो बोल रहे। चलिए फिर लास्ट जाते जाते हम लोगों ने टोस्ट, पापे टोस्ट और खारी और शीरमाल ले लिया है सुबह के लिए। अंडे घर पहुंच चुके हैं,
तो ये प्रिपरेशन रमज़ान की, आप लोग भी कमेंट बताना कौन कौन ने रेडी कर लिया है ये सब चीज़ें। और मुझे फिर से लग गई है प्यास, तो मैं पी रही हूँ पेपर बोट। फ्रेंड्स, रमज़ान का चांद नज़र आ गया, मेरे को दिखा तो नहीं, ऐलान हुआ है अभी अभी हम पेंशन अगर पहुँचे तो। आप सबको रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो, और सबकी जायज़ दुआएं कबूल हो, सेहत दे अल्लाह ताला, तंदुरुस्ती दे। और जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिए या एग्ज़ाम चल रहे हैं जिनके भी, सब अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो, मेरी ये दुआ है। और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, पता नहीं वो भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर वो भी नमाज़ पढ़ने चले गए तो फिर क्या होगा, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को ना ऐसा है कि बैठने से भी मतलब सांस में सिलक आ रही है। आप लोग दुआ करना मेरे लिए, मेरी तकलीफ ख़त्म हो जाए करके, शिफा हो जाए मेरे को अल्लाह ताला की तरफ से। चलिए, क्या बोलूँ आप लोगों को। अभी व्लॉग एंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर के पास से शायद मैं सेल में जाऊँगी अगर जल्दी छुट्टी मिल गई तो, मतलब पेशेंट कम रहे तो। चल फरीदा, अज़ान हो गई। मैं तो तुम्हारा वेट कर रही हूँ। चलिए फिर मैं मिलती हूँ, इनको भी तरावी पढ़ने जाना है, ऐसे तरावी ना। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी मेरा खाना हुआ है, हॉस्पिटल से आ गई मैं, 12:30 बज रहे, देखो 11 बजे आ गए थे हॉस्पिटल से, फिर किराना लेकर आया। अभी यहाँ पे देखो किराना पसरा पड़ा है, किराना भी जमाना है। इमली की चटनी पकने रख दी हमने, खाना खा लिया, खिचड़ी पापड़ वगैरह सब, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी खिचड़ी। यहाँ पे क्लीन भी कर दिया बर्तन, सुबह सैरी में धो लूँगी इंशाल्लाह। और क्या, डॉक्टर के बारे में मैं आपको 2 दिन बाद बताऊँगी, अभी कुछ डाउट है, ठीक है ना। दर्द तो अभी है, मैं दवाई खाऊंगी अभी, पर्स पीछे लटका है। तो चलिए फिर, आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और आज का दिन कैसा था, आज का व्लॉग मेरा कैसा था सॉरी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर से एक बार और सबको रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक, और मिलती हूँ आपको पहली सहरी के साथ। चांद दिख गया मम्मी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।